फिर सक्रिय हुआ नया चक्रवाती तूफान। देश के इन क्षेत्रों में 26 से लेकर 30 मई तक तूफान का अलर्ट है। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की, क्या बड़ा अपडेट निकल कर आया है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। दोस्तों चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव दिखने लगा है और आशंका जताई जा रही है कि पटना जिले में भी भारी बरसात हो सकती है, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पटना में दिखने को मिल सकता है। आशंका जताई जा रही है कि पटना जिले में भी भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही चक्रवाती तूफान को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिलेवासियों को भी अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी अलर्ट में कहा गया है कि तेज हवा के साथ 80 एमएम 120 एमएम तक बारिश होने की संभावना है। विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने चक्रवाती तूफान की स्थिति में जिले में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पटना जिला अंतर्गत सभी सरकारी अस्पताल, एम्स, IGIMS, PMCH, NMCH, MCH, बिहटा आदि के अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों और अन्य क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन की सुरक्षित भंडारण के लिए भी निर्देश जारी हो चुके हैं और इसके साथ ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक रखने और ऑक्सीजन प्लांट के संचालन में भी किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो न्यूनतम समय में रिस्टोर करने का लिए सुनिश्चित मापदंड तैयार किए गए हैं। इसके साथ दोस्तों बिहार, पटना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में जो है इस तूफान का असर रहेगा। तो लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का, वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके, लेटेस्ट अपडेट को बढ़ा सके, देश के साथ मौसम की सभी खबरों से अपडेट।